दोस्तों, जन्माष्टमी पर अगर आपने यह उपाय कर लिया तो मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, आपके घर से गरीबी दूर भाग जाएगी, आप रातों रात मालामाल हो जाएंगे। मैं भगवान कृष्ण की सौगंध खाता हूं। इस वीडियो को अंत तक देखें, आपका भाग्य ना चमक जाए तो मुझे बताना, लेकिन वीडियो पूरा ही देखना, एक लाइक जरूर करें। अगर आप भगवान कृष्ण से प्यार करते हैं, लड्डू गोपाल से प्यार करते हैं, राधा रानी से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करना। जन्माष्टमी बार बार नहीं आती। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:39 पर होगी। 27 अगस्त रात 2:19 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। द्वापर में श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि में मध्य रात्रि में हुआ। उनके जन्म लेते ही दिशाएं स्वच्छ व प्रसन्न एवं समस्त पृथ्वी मंगलमय हो गई थी। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रकट होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। कृष्ण के प्राकट्य से स्वर्ग में देवताओं की धून दुबिया अपने आप बज उठी तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। दोस्तों, जन्माष्टमी व्रत का महत्व। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को 1000 एकादशी व्रत के समान माना गया है। 100 बार गंगा स्नान करने का जो पुण्य मिलता है मात्र जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जाप का अनंत गुना फल देने वाला जन्माष्टमी के दिन ध्यान, जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इसलिए जन्माष्टमी की रात में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन करने चाहिए। भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह देव का व्रत किया जाता है वहां अकाल, मृत्यु, गर्भपात, किसी भी मां के बच्चे गर्भ में नहीं मरते, गर्भ ठहरता है, वैधव्य दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होती। जो एक बार भी इस व्रत को करता है उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो प्राणी संसार के सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। जन्माष्टमी पूजन विधि। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देने वाली मानी गई है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख्य करके व्रत का संकल्प लें। अगर नॉर्थ ईस्ट में भगवान कृष्ण को लगाया जाए तो आप अपने जीवन में धर्म युद्ध में खड़े हैं। कर्म क्षेत्र में खड़े हैं तो वहां आपकी जीत सुनिश्चित है और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें कान्हा दूर कर देते हैं। माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पालने में स्थापित करें। पूजन में देवकी वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदि देवताओं के नाम जपें। रात्रि में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी पर कान्हा को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएं। साथ ही साथ उन्हें मोर का मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें एवं झूला झुलाएं। तुलसी डालकर माखन मिश्री व धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। तत्पश्चात आरती करके प्रसाद को वितरित करें। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी कब है? पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:39 पर होगी। 27 अगस्त रात 2:19 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि की जाती है, इसलिए इस साल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा। दोस्तों, जन्माष्टमी की यह कथा चुपके से भी सुनने से समस्त तकलीफें, बीमारियां सब समाप्त हो जाती हैं। पितृदोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, शनि दोष तुरंत ठीक हो जाते हैं। आइए सुनते हैं जन्माष्टमी की कथा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद महाकृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था
और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वह मां देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का आठवां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की खड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव के साथ संतानों को मार चुका था। कृष्ण जी का जन्म इसके बाद भाद्रपद महाकृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी की आठवीं संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। कान्हा चले गोकुल धाम। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथखड़ी खुल गई। सभी पहरेदार सोने लगे। कान्हा को एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वो फिर से शांत पड़ गई। वो कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गया और उनके हाथों में हथखड़ियां लग गई। कन्या के रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए। कंस बंदी गृह आया। वो कन्या को देवकी और वासुदेव की आठवीं कन्या समझ उसे मारने चला, लेकिन वो आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी मां यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशों विफल हुई और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वो आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी पर भूल कर भी ना करें। ये गलतियां तुलसी को लेकर ना करें। ये गलती जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी तुलसी की पत्तियां तोड़ने से बचना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में इस दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। जन्माष्टमी से पहले आप तुलसी तोड़कर रख लें। बिना तुलसी के जन्माष्टमी का पर्व अधूरा है। भगवान कृष्ण किसी भी ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी पत्र ना पढ़ा हो। ऐसा भोग पाप के समान होता है, जहरीला माना जाता है। चावल खाना, ये बात तो सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भी चावल को खाना वर्जित होता है। चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन जन्माष्टमी के दिन चावल खाना शुभ नहीं माना जाता। तामसिक भोजन, जन्माष्टमी के दिन तामसिक भोजन वर्जित माना जाता है। ऐसे में इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। इस दिन गलती से भी लहसुन प्याज का खाना कभी मत बनाना, क्योंकि राहु केतु के कारण ही लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है और भगवान विष्णु और राहु केतु के बीच में भीषण शत्रुता होती है। अनादर करना। भगवान कृष्ण के लिए सभी भक्त एक समान होते हैं। ऐसे में इस दिन किसी भी व्यक्ति का अनादर करने से बचना चाहिए। एक बार भगवान कृष्ण के भक्त ने एक व्यक्ति का अपमान कर दिया था, उसी क्षण भगवान कृष्ण ने अपने भक्त को श्राप दिया था। इसीलिए किसी का भी अपमान ना करें। गाय को सताना, गाय भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि कृष्ण अवतार में उनका पालन पोषण एक ग्वाले के घर में हुआ था। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन किसी भी गाय और बछड़े को भूल कर भी नहीं सताना चाहिए। भगवान कृष्ण गाय को सबसे प्रिय मानते हैं, गाय माता को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए गाय को इस दिन रोटी, फल वगैरह, मिठाई अवश्य खिलाएं। जन्माष्टमी के दिन केवल सात्विक खाना खाएं। जन्माष्टमी व्रत में दूध और दही जरूरी है। व्रत के दौरान ताजे फलों के शेक, लस्सी, छाछ या दूध का मजा ले सकते हैं। नारियल पानी पी सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन पेड़ों को काटना भी अशुभ माना जाता है। श्री कृष्ण हर चीज में बसते हैं और हर चीज उनमें बसती है, बल्कि हो सके तो इस दिन ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इससे घर और परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। भगवान कृष्ण सदा पीपल के वृक्ष में रहते हैं। पीपल वृक्ष पर जन्माष्टमी पर जल अवश्य अर्पित करें।
इससे वो प्रसन्न जल्दी होते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन पूरे पवित्र मन तन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। कम से कम इस दिन पत्नी से दूर रहना चाहिए। जो पति पत्नी जन्माष्टमी पर एक दूसरे से दूर रहते और संयम और नियम का पालन करते हैं तो उन्हें एक सुशील और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसे बालक का मुख भगवान कृष्ण की तरह होता है और शरीर भगवान कृष्ण की तरह कोमल होता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं तो उन्हें रात में 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। उससे पहले व्रत खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता है और व्रत भी अधूरा माना जाता है। जन्माष्टमी पर करें इन मंत्रों का जाप। भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी समस्त गरीबी दूर हो जाएगी। आप धनवान हो जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे। आपके घर में राधा रानी की कृपा बरसेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। दोस्तों, श्री कृष्ण मंत्र क्रिम कृष्णायनम। भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर इस मंत्र का जाप करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम 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 हरे हरे करने से भगवान कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं। वो भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। कम से कम इसका जाप 21 बार अवश्य करें या 108 बार भी आप कर सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर जो स्त्री भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाती है उसे अनंत काल तक बांझपन का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवान लड्डू गोपाल की कृपा से ऐसी स्त्री को सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर मोर पंख अवश्य लाएं और मंदिर में स्थापित करें। भगवान कृष्ण की बंसी जन्माष्टमी पर अवश्य लेकर आए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भगवान लड्डू गोपाल के खिलौने आदि जरूर लेकर आना। इसे लाना मत भूलना। और जन्माष्टमी पर कौड़ियां आप ला सकते हैं, भगवान कृष्ण की स्थापना कर सकते हैं। इस दिन गलती से भी किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट के तौर पर भगवान कृष्ण को उपहार में कभी मत देना। इससे घर की लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। जन्माष्टमी पर सोने चांदी तांबा पीतल की खरीददारी कर सकते हैं। शुभ माना जाता है जन्माष्टमी पर पालना अवश्य लेकर आना। इसमें लड्डू गोपाल जी झूला झूलेंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी पर तुलसी माता के सामने भगवान कृष्ण के चार नाम जैसे गोपाला गोविंदा देवकीनंदन और दामोदर पुकारे और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। माता तुलसी आपके घर को धन धान्य से भर देंगी। जन्माष्टमी के दिन भोग में मक्खन के साथ तुलसी दल जरूर डालें और वो भगवान कृष्ण को अर्पित करें। दोस्तों, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर करें नमक का विशेष उपाय। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, नमक का यह उपाय करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी, संतान प्राप्त हेतु व्यापार चलाने के लिए भी यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, हम भी नमक का यह उपाय जरूर करते हैं। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक पाएगा, भगवान कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। आइए जानते हैं नमक का विशेष उपाय। दोस्तों, उपाय है एक नमक का पैकेट, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 100 ग्राम उड़द की दाल, 250 ग्राम आटा और 11 रुपए की दक्षिणा तथा एक पानी की बोतल और 5 रुपए के काले तिल। बस इतनी सी सामग्री एक थैली में एकत्रित कर ले। दोस्तों, उसके बाद किसी भी गरीब बुजुर्ग या गरीब महिला को चुपके से दान दे दे और पीछे मुड़कर ना देखे, घर को वापस चले आए। दोस्तों, आप यकीन मानो गुरु परंपरा से प्राप्त ये महाउपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। दिन दुगनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। दोस्तों, ये उपाय हम भी जरूर करते हैं। महापुस्तक और शास्त्रों में लिखा महाउपाय आज हम आपको बता रहे हैं। यह उपाय जन्माष्टमी के दिन जरूर करें। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। दोस्तों, यह उपाय मैं हर जन्माष्टमी के दिन जरूर करता हूं। आप भी यह मौका हाथों से मत जाने देना। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें राधे राधे जय श्री कृष्ण। एक लाइक तो बनता है।